देखो कैसे करेंगे इस दर है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व अप्रोच कैसे करेंगे। और देखो ये जेट है, जेट तो कुछ भी हो सकता है। सर तो हाँ, कितना है? 17 है क्या सर? हाँ सही है, सही है, 17 इज दी आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं एक काम करता हूँ कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेता हूँ, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस मॉड जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 8 आयोटा। तो अब देखो रियल पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। तो वाई इक्वल टू 8 आ गया है, वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू 2। अच्छा इस एक्स को इधर ले आओ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ना स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, तो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट है ना, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये 4 एक्स इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू देखो क्या -16 आ गया, सॉरी -60, 4x इज इक्वल टू -60, तो x इज इक्वल टू -15 आ गया। अच्छा x मिला, x मिल गया और y भी मिला, एक्स का वैल्यू भी मिल गया और वाई का वैल्यू भी मिल गया, तो पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बताओ, देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। तो मॉड जेड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जेड यदि ये है तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका इसका 15 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर सेम इज 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर। और आप देखो 8, 5 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 17 आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लो ध्यान से, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन। मिनट, हाँ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 एंड रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर वेयर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हैज ए ऑप्शन लिखो नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन लिखो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, सी ऑप्शन लिखो 2 सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड डी ऑप्शन लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आंसर करो। देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, पहले समझते हैं कुछ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये Z1 है
लेट्स से ये जेड वन है और ये जेड टू है, जेड वन और जेड टू मिल गया, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये वाला वेक्टर, तो ये क्या हो गया जेड टू माइनस जेड वन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर में, तो ये वाला हो गया जेड टू माइनस जेड वन बाय द वे, और ये डिफरेंस करोगे तो ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा, तो ये इसी के पहले इतना ही बड़ा ये वेक्टर हो गया जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस वेक्टर का लेंथ कितना हो, मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन होगा कि नहीं होगा, तो इन इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो लेट्स ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी लेंथ इज मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो ये यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी पोजिशन जेड वन और जेड टू है तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, आप लिख लीजिए दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, ऐसा सिचुएशन है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे देखो उसको उठा लेते हैं, अब यहाँ पे ये देखो फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस ये माइनस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू टू, तो जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन, तो ये क्या हो गया जेड और माइनस वन प्लस आयोटा के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा कितना आ रहा है, जेड और माइनस वन प्लस आयोटा के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा टू आएगा, तो यदि मैं आर्गन प्लेन बनाऊं, लेट से ये आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन है जिसमें ये रियल एक्सेस है, रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, और इसमें देखो माइनस वन प्लस आयोटा, लेट से माइनस वन ये है और प्लस आयोटा ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस माइनस वन प्लस आयोटा, ये वाला पॉइंट हो गया, तो क्या ऐसे जेड जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितना हो टू हो, तो ऐसे जेड का लोकस क्या सर्कल हो जाएगा, ऐसे जेड मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इससे डिस्टेंस हमेशा टू यूनिट पे हो, तो ऐसे जेड क्या एक सर्कल पे आएगा जो इससे टू यूनिट पे हो, तो ध्यान से देखो लेट से ये इस तरह का, तो जो जेड का जो लोकस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एक सर्कल होगा जेड विल लाई ऑन दिस सर्कल, है ना, जेड विल लाई ऑन दिस सर्कल, इसका रेडियस कितना है टू यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट आप समझ रहे हो, ये टू यूनिट है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये देखो ये वन हो गया, तो वन कॉमा आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सो अभी ये समझ आ गया कि यदि मॉड ऑफ जेड प्लस वन माइनस आयोटा इक्वल टू टू है तो जेड विल लाई ऑन दिस सर्कल। अच्छा इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो रियल पार्ट मतलब जेड यदि हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिया तो ये क्या बोला जा रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू वन कैसा होगा, एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन लाइन ये होगी, देखो दिस इज एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, लेकिन ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो मतलब कि ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये राइट वाली बाउंड्री मतलब राइट वाला पूरा रीजन आ जाएगा, फुल रीजन आ जाएगा, तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा जेड चाहिए जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, मतलब ऐसा जेड जो सर्कल पे भी लाई करे और इस रीजन में भी लाई करे,
तो आप देख सकते हो कि ऐसे कितने जेड है, एक ही जेड मिल रहा है, वो है ये वाला जेड। देख लो ध्यान से, क्या यही जेड मिल रहा है, एक ही जेड मिल रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट, देखो एक बार क्या पूछा जा रहा है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो आंसर क्या टिक कर देंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। देख लो क्या ये समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो आप बताओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑब्लिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे लेट से दिस इज एक्स या रियल एक्सेस, सॉरी रियल एक्सेस, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस है यहां पे, ठीक है। और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया, लेट से दिस इज जेड, जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स है और ये वाई है, ये माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जेड बार, दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये एंगल हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, नोट डाउन कि जेड बार इज द मिरर इमेज, मिरर इमेज इमेज ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। रियल एक्सेस के रेस्पेक्ट में जेड बार क्या है, मिरर इमेज है ना। राइट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, जेड प्लस जेड बार बाई टू लिखा जाता है। सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आता है, जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा। नोट डाउन दिस। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी देखो, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका दो बार बार कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया बाय द वे, तो वो जेड ही आ जाएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, जेड वन प्लस जेड टू है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका बार लेंगे तो दैट इज जेड वन बार प्लस जेड टू बार हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ वन देखो, जेड वन माइनस जेड टू का बार कितना हो जाएगा, जेड वन बार माइनस जेड टू बार हो जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, यदि प्रोडक्ट है जेड वन इंटू जेड टू का होल बार रखेंगे तो ये जेड वन बार इंटू जेड टू बार इस तरह से आ जाएगा। सेवेंथ लिखो, जेड वन अपॉन जेड टू का होल बार, दैट इज जेड वन बार अपॉन जेड टू बार, ये सेवेंथ हो गया। देन एट्थ प्रॉपर्टी नंबर एट लिखो,
यदि ये प्रोडक्ट को यदि इसी को एक्सटेंड करें तो ये आ जाता है जेड की पावर एन का होल बार इज सेम एज जेड बार की पावर एन, ऐसे लिखा जा सकता है। नोट ऑन दिस दीज प्रॉपर्टीज। एट्थ हो गया, नाइन्थ प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर नाइन एंड दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड बार। ये थोड़ी देर पहले हमने प्रयोग किया हुआ है इसको, है ना, तो अलग अलग ढंग से ये प्रयोग किया जा सकता है ना। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर टेन। प्रॉपर्टी नंबर टेन, यदि ऐसा कुछ आ जाए कि जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि देखो, इसका मतलब है टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है। टू टाइम्स जेड प्लस जेड बार कितना होता है? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जेड जीरो है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो जेड इज प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। यदि जेड प्लस जेड बार यदि जीरो दिया हुआ है, तो मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? जीरो। तो जेड में सिर्फ आयोटा वाला पोर्शन रहेगा, तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। देन इलेवेंथ प्रॉपर्टी लिखो, यदि कुछ इस तरह से है कि जेड इज इक्वल टू जेड बार दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? देखो जेड इज इक्वल टू जेड बार दिया है, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट लेने से कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, मतलब आयोटा वाला पोर्शन है ही नहीं इसमें, आयोटा वाला पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब जेड इज प्योरली प्योरली रियल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना लीजिए आप दोनों पे, कई बार हम लोग प्रयोग करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12 कि यदि कोई W, इफ W इज इक्वल टू F ऑफ जेड है, ठीक है, तो देन W बार करें तो ये क्या हो जाएगा? F ऑफ जेड का होल बार हो जाएगा। ठीक है, समझ आए कि जहां जहां यदि W जो है कोई जेड का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो यदि इसका बार करेंगे तो इसका जो भी आएगा इस पे बार हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं आप। राइट डाउन नेम। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। राइट डाउन सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। लेट जेड वन इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा। वेरीफाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लिखो जेड वन प्लस जेड टू होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार। सेकेंड लिखो जेड वन माइनस जेड टू का होल बार दैट इज जेड वन बार माइनस जेड टू बार। थर्ड लिखो जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन जेड टू जेड वन बार जेड टू बार का मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो जेड वन अपॉन जेड टू का होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार अपॉन जेड टू होल बार। वेरीफाई करो।
वेरीफाई देम ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. आई थिंक ये हो जाएगा, इजी है, टफ नहीं है, तो आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ जेड वन कॉमा जेड टू एंड जेड थ्री आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to mod of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 is equal to 1, then mod of z1 plus z2 plus z3 is, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा. इक्वल टू, फर्स्ट लिखो a, इक्वल टू 1. b लिखो इक्वल टू, या मतलब लेस देन वन. सी ऑप्शन लिखो ग्रेटर देन थ्री. एंड डी लिखो इक्वल टू 3. आंसर करो.